हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाही लर्निंग। सो डियर चिल्ड्रन, टुडेज आवर टॉपिक इज एसे राइटिंग द जू। अब जू तो आप सबको पता है, राइट? आपने बहुत बार विजिट भी किया होगा, अलग अलग सिटीज में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स रखते हैं और हम देखने जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। द जू इज अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर कैप्ट इन ह्यूज केजेस। जू एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स बड़े जो केजेस रहते हैं उसमें रखे जाते हैं। यू विल फाइंड एनिमल्स सच एज द मंकी, द लायन, द टाइगर एंड द बियर इन द जू। और कौन से एनिमल्स आपको दिखेंगे? मंकी, लायन, टाइगर, बियर। ओके डियर चिल्ड्रन, सम एनिमल्स लाइक द हिप्पोपोटामस एंड द क्रोकोडाइल आर कैप्ट इन अ लार्ज एनक्लोजर्स विद बिग पॉन्ड्स एट द बॉटम। अब ये जो क्रोकोडाइल है, हिप्पोपोटामस है, तो ये सब एनिमल्स को है ना एकदम लार्ज एनक्लोजर्स रहते हैं ना, एकदम डीप अंदर से एकदम नीचे, कि हम उनको ऊपर से देख सके। और उनको कहाँ रखा जाता है? जहाँ पे बिग पॉन्ड्स रहते हैं, पानी वाली जगह पे, है ना, जहाँ नीचे पानी हो वहाँ रखकर हम उनको ऊपर से देखते हैं। दिस एनिमल्स कैन रोम फ्रीली अमोंग द रॉक्स एंड इन द वाटर। और जो ये रहते हैं ना हिप्पोपोटामस क्रोकोडाइल, उन लोग को ऐसे मतलब बड़े से प्लेस पे रखते हैं जहाँ पे वाटर एंड आधी ज़मीन एंड वैसे, तो उन लोग फ्रीली यहाँ वहाँ घूम सकते हैं बट बाहर निकल पाएंगे नहीं। बर्ड्स आर कैप्ट इन वेरी लार्ज केजेस। अब बर्ड्स को बड़े केजेस में रखे जाते हैं। दिस केजेस हैव नेट रूफ्स। और उनको पिंजरे मतलब उनकी जो रहेगी केजेस उसमें क्या लगी रहेगी? नेट, कि वो उड़ सके नहीं। देर आर लॉट्स ऑफ ट्री टू। अब वो जो उनकी केजेस में क्या रहेंगे? ट्रीज भी अंदर रहेंगे, क्योंकि बर्ड्स को तो ट्रीज पे ही बैठना अच्छा लगता है ना, तो उनके जो रहेगा उसमें क्या रहेगी? ट्रीज भी रहेंगे। और उनको किसमें मतलब नेट वाली जो रहती है ना, पतली पतली डॉट डॉट वाले जो रहती है उसमें उनको रखा जाएगा कि वो उड़ सके नहीं। ऑल दिस मेक्स द बर्ड्स फील दैट दे आर इन द फॉरेस्ट। ऐसा क्यों रखते हैं ट्रीज भी? तो उनको कौन सी फीलिंग आती है कि हम लोग फॉरेस्ट में ही हैं, है ना? ट्रीज रहेंगे तो बर्ड्स तो ऑब्वियसली यहाँ से उड़ के वो ट्री ये ट्री, तो उन लोग को वैसे ही फील होता है कि हम लोग कहाँ पे हैं? फॉरेस्ट में ही। सम बर्ड्स लाइक द पीकॉक एंड द ऑस्ट्रिच रोम अबाउट फ्रीली इन द जू। और पीकॉक हमें कोई हार्म नहीं करता है, ऑस्ट्रिच भी हमें कोई हार्म नहीं करते, तो वो सब बर्ड्स को उन लोग केजेस में नहीं रखते, से फ्रीली यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं क्योंकि वो हमें कोई नुकसान नहीं करेगा। अब लायन टाइगर को हम खुला रख सकते हैं? उनको तो ऑब्वियसली हमको केजेस में ही रखना पड़ेगा क्योंकि वो हमें हार्म करके क्या हमें खाई जाएंगे, राइट? सो डियर चिल्ड्रन, ये जू वाला ऐसे आपको आपकी ग्रामर की नोटबुक में लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।